पूरी नहीं थी, आँख कैसे लाल लाल हो गए, जबरदस्त आ रही नहीं हमारा उठ गया। टॉयलेट करिया नहीं है नीचे चेक करिए कुछ हो तो करनू ले करनू वैसे अपने के नीचे रिंग रखे ले लिए celebrating motoring lifestyle. लाश के लिए चिता तैयार कर लेती है उधर राजा हरिश्चंद्र जो कि कार्यभंगी की ड्यूटी करते हैं। देखते हैं आकाश में धुआं जारी है, प्रेमी साथियों आकर चिता को लात मारकर बखेर देते हैं। रात सब तक को हरिद्वार ही पकड़ में डाल रहा हूँ। जा रहे भाई हमें तो पता हरिद्वार नौ माता भी आ गए बैठे हम तो उत्तराखंड जा रहे हैं। हरिद्वार तो हम पहुंच भी जाते हैं। और क्या पीछे कितनो छोड़ दियो ना, रात ही छोड़ दियो तो होटल रात ही आ गए हम कितने 50 नींद पहले दीदी और आदमी हमारी पार्टी है सारी अब हम जा रहे हैं सुबह के टाइम। अभी बस चाय पी थी, थोड़ा नाश्ता कर ले हल्का फुल्का क्योंकि अभी सफर लंबा है। चटनी हमारी जैसी वही तो लग रही कुछ कुछ पर पता ये पीसी हुई मिर्च रख दो भाई। राधे राधे खाना खाओ कनु खिलाऊंगी अभी ठंडा होने दो मेरे बेटी का मुंह जल जाएगा। देखिए मैंने तो जुगाड़ सही है। तो अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है
अब हम चल रहे हैं। हल्की हल्की बूंद आने लगी यहाँ पे वैसे भी। कहाँ हमारी गाड़ी? हाँ मैं कह रही गाड़ी कहाँ हमारी। चलो खुल गई, बैठो आप। चलो मजा को आनंद ही खराब कर देना। मजा को आदत खराब कर दिया। आदत का मजा आनंद भी ना लेन देन ने तो कहना सास आनंद चैन तक। हां भाई ऐसी जगह है मैं तो रूल पहाड़ों पे ओनली चक्कर। बहुत बुरी हालत हो चुकी है शिवानी जी को भाई। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, पर इन्हें मजा सारा खराब कर दिया। ठंड बढ़ रही, ठंड से 15 किलोमीटर दिखा रहा होटल। अभी तो 25 बोल रहे थे। इसका नाम पन्नू।
आगे बना पा गए रोड की बना रोड की जल्दी जा वॉशरूम। फाइनली हम आ गए इतनी दूर तो आए लेकिन यहाँ का व्यू ओए होए देख रहे हो क्या नजारा है देख रहे हो जी देख रहे हो कितने किलोमीटर दूर आए हम यहाँ के बारे बस यहाँ नहीं हम सबके हवा निकाल दें चलो भाई जल्दी जल्दी नहाओ तो ये हमारा रूम है कन्नू अभी नहाएंगे तो ये हमने लिए चार एक बच्चों का एक लेडीज का एक जेंट्स का और एक एक्स्ट्रा ये है बच्चों का रूम इसमें बच्चे पार्टी है वॉशरूम गया है कोई अच्छा यहाँ पे दक्ष प्रणव और हर्ष और आप है क्यों चारों लेट तो जाओ लड़के एक साथ हाँ लड़कियां एक साथ और लेडीज एक साथ जेंट्स एक साथ तो नहा चुके हैं नहा धो के रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही थी हम नहा चुके हैं दीदी सब नहा चुके हैं और फिलहाल शिवानी जाएगी बस इसका मन नहीं हो रहा उठने का अब रिलैक्स हुए कल से है ना दीदी कितने अच्छे लग रहे हैं अब मतलब बहुत हल्का फील हो रहा क्योंकि ऐसा रास्ता है गोल तो अभी भी ऐसा लग रहा हो कि हम ऐसे ही घूम रहे हैं लेकिन अब ठीक है तो अब हम यहाँ पे आ गए फोटो और वीडियो के लिए जो जो ना आ चुके हैं वो अपनी क्लिप ले रहे हैं हाय दी देखो कितना सुंदर नजारा है ना सिम्मी देख सिम्मी खड़ी सिम्मी हेलो तबीयत खराब है इसकी हमारी कमेरी बहन जो घर है तो हल्का सा आ जा पर घर बाहर साफ सफाई दिखा हम तो लग रहे अपनी फोटो वीडियो में अगली ने रूम सेट करा कपड़े उधर उधर हो रहे ना सारे कपड़े है ना कन्नू हम तो जो चल दे ना हमारे पैर कहीं पाए और हम कहीं पाए अभी वैसे तो भूख नहीं है कुछ हल्का फुल्का ही लेंगे फिलहाल हम लेट चुके हैं और बच्चों को कुछ देखना है रिमोट पता नहीं बेटा रिमोट नहीं पता है चला टीवी को क्यों रिमोट ही नहीं गैस सीधी टक्कर मार रहे सिर में गैस की गोली तो अब ना लूंगा अभी मैं ऐसे अब लेके लौट जाओ बैठ जाओ फिलहाल हल्के फुल्के में यहाँ पे यही अवेलेबल है और बाकी जो चीज है वो है अंडा
ऑमलेट जो हम नहीं खाते क्योंकि कन्नू हमारे साथ है, कन्नू के लिए हमने स्पेशल बनवाई है जिसमें हमने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डलवाया। अब पहले कन्नू की भूख लगेगा फिर हम खाएंगे। बैठो कौन सा गेम चल रहा है? हर्ष तो सो गया। ठंड लग रही है ना बच्चों? बहुत ठंड लग रही है। तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? वैसे खेल लिए? आज चलो उधर बैठेंगे सबके साथ। आओ। बहुत ज्यादा हमें तो बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, हमें कुछ नहीं पता था। हम बच्चों के भी ऐसे ही कपड़े लेके आए। अब मतलब ऐसा हो रहा है यहाँ पे, खड़े नहीं हुआ जा रहा। अब हमें बैठना है अंदर। ठंडी ठंडी बहुत ठंड लग रही है अभी भी यहाँ। मतलब स्वेटर होने चाहिए वरना स्टॉल तो जरूर होना ही। यूज समझो जैसे दिसंबर में सर्दी ना हो। उसने जैकेट पहन रखी ना जो वेटर आया अभी। नहीं वेटर देख रहे हैं हम तो, भाभी सोच रही है हमारे कुछ। सबने पहन रखी है यहाँ, सबने स्वेटर पहन रखे हैं। देव उन्होंने पहन रखे क्या है ये? पहाड़ी लोग नहीं, वो आई उत्तराखंड। अरे ये जगह क्या नाम है इसका? अरे हम वही से बोलते आ रहे हैं। चल क्या है ये? क्या है जी? चक्राता है। उससे भी आगे ऊपर, बहुत ऊपर। यहाँ कभी भी आए लास्ट पॉइंट सीढ़ी गर्मी में। लास्ट पॉइंट है पूरा सीढ़ी गर्मी था वहाँ पे। तो यार मई जून है, मतलब थोड़ा मतलब जैसे अब जून, अब तो फिर भी बारिश का मौसम शुरू होगा। अगर जीजू अभी बोल रहे कि मई में आएंगे यहाँ पर, अगर यहाँ मई में भी आओ ना तो यहाँ स्वेटर लेके आओ क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड लग रही है ना? लेकिन तुम लेके आए हो अपने सर्दी के कपड़े, तुमने हमें नहीं बताई लोकेशन यहाँ की, वरना हम भी लेके आए। हमको देखे कि लाए क्योंकि हम नहीं आते ना, तो जिन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पे जाओ वो बोल रहे थे कि लेके। तो बोलना चाहिए था, हमारे तो बच्चों के पास भी नहीं है। और ये तो एक दो तुक्का लगा हो के मतलब फुल स्लिप्स के, वरना ये भी नहीं होते। तो दीदी और भाभी दे रही खाने का ऑर्डर। जी इनकी किचन है यहाँ पे। मटर पनीर का एक आप कढ़ाई पनीर। अच्छा तो खाना यहाँ पे बैठ के खाइए। देने और वहाँ पे एक फैमिली और है नीचे, वो बोल रहे रात को सॉन्ग चलाएंगे और बैठेंगे। तो अब हम जा रहे खाना खाने के लिए। चलो के बाद में आग
वक्त जला के बैठेंगे ना। आप तो स्लैप हो गए। खाना भी तो खिलाएगी। क्या करना है? तो भूख लगा है। हो गया 9 बजे। दीदी तो अपने लिए एक्स्ट्रा खाना ले रही है खाने के बाद। अभी इतना खाना खाते हो आप? बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, एक ग्लास और दे दो। ऊपर ग्लास नहीं है। ये मेरे रूम में आया। देखो अब कहाँ चला गया। वापिस आ, पिट जाएगा वहां पर। जल्दी आ जा। आ जा। मम्मी रूम का ताला लगाए। हाँ रूम का ताला अभी लगा के गए। तो फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है। अब हम रूम में आ चुके हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि रास्ते में बहुत घूमे और उसके बाद में भी हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम गाड़ी में ही घूम रहे। तो हम यहाँ आए हैं लोकेशन पे जो है चक्राता। ये मंजूरी से आगे हैं तो फिलहाल हम यहीं पर हैं। ये काफ़ी ऊपर है, एंड से में ही है। एंड से तो थोड़ा पहले है लेकिन काफ़ी ऊपर है पहाड़ों के यहाँ पे। तो अब हम सब सोने वाले हैं। तो मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और कन्नू को सुवा दो पहले। कन्नू सुला दिया। चलो डबल डबल देखो, ब्लैंकेट इतने मोटे मोटे फिर भी डबल कर रहे हो। पर यहाँ पर सर्दी बहुत है लेकिन नीचे इतनी ना हम खाना खा के हमारी यहाँ पे इतनी जैसे हमारे दिसंबर जनवरी में हुआ है ना सेव वो ये है यहाँ पे। वहाँ जाकर बुरा हाल होगा। कपड़े भी आपके पास लो। ओके मेरे पास लग जाओ। बच्चों का रूम अभी अलग था, आपको पता बच्चे सोते नहीं है इसलिए साथ में सुला के जब थोड़ा अलग करें। मतलब कि आप सब हम उससे झूठ प्रीति से झूठ बोलते हो कि दीदी मनीषा बहुत अच्छी लगती है, फनी करते। किसी ने कमेंट नहीं करी ना, इतनी व्यू आए है ना, ना व्यूस आए, मतलब किसी ने इतनी देख नहीं वो वीडियो। भाई फैम दिल मत तोड़ो दीदा। दिल तोड़ दिया मेरा। आप ही कहते हो मनीषा दी के व्लॉग हमें अच्छे लगते हैं तो मनीषा दी के व्लॉग को प्लीज सपोर्ट करो, प्यार दो, तभी दीदी को अच्छा लगेगा। कोई नहीं, इस पे कर देना दीदी के लिए स्पेशली कमेंट प्लीज कर देना और वहाँ पे भी कर देना क्योंकि दीदी खुद कमेंट चेक करती है, वो बोल रही है नोटिस कर रही है चीज। तो चलो मैं अपना व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।